हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन में लेकर आया हूं। इस बार के इस क्लास में मैंने क्वेश्चंस के कुछ रूपों को बदल दिया है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जिस तरह से इस बार प्रश्न को एग्जाम में पिरोया जा रहा है या जिस तरह के इस बार परोसा जा रहा है, थोड़ा सा मैंने शब्द को चेंज किया है और प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आई होप कि आज इस सेशन को आप बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य की बात कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है आपके लिए। पहला है कि भारत का क्षेत्रफल 2.34% है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है। भारत की द्वीप समेत तट की लंबाई 6100 मीटर है। अगला, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ। अगला, जम्मू कश्मीर अपनी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है और बाकी तीन ऑप्शन आपके लिए गलत है, हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। आप जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको ऐसा जितने भी क्वेश्चन आप हमारे साथ अटेंड करेंगे ऐसा आपको नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन को कहीं से चेपा गया या कहीं से सेलेक्ट करके बस टाइप करा गया। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने खुद तैयार किया है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आप उसी आकलन करिएगा। देखिए, अगर पहले ऑप्शन को उठाएं तो भारत का क्षेत्रफल 2.34 नहीं होता है, 2.43% होता है। देखिए कितने छोटे छोटे मैंने आंकड़े को चेंज किया है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। भारत की द्वीप समेत तट की लंबाई 6100 मीटर है। ठीक है, 6100 मीटर है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ आपको तट की लंबाई अगर पूछा जाए कि भैया तट की लंबाई कितनी है, तब आप कहोगे 6100 मीटर। लेकिन भारत की द्वीप समेत अगर लंबाई आपसे पूछा जाए तो 7500, याद रखिएगा 7500, 16.6 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ये भी आपका रॉन्ग है। सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर अपनी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, बिल्कुल भी साझा नहीं करेगा क्योंकि अब कुछ इस रूप में आपको देखने को मिलता है और ये यहां से कटा हुआ है। तो ये वाला कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर और ये वाला पूरा एरिया कहलाता है बच्चा क्या, लद्दाख कहलाता है। और यहीं से आपका पाकिस्तान का बॉर्डर निकला है और यहीं से आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर निकला हुआ है। तो कहीं से भी जम्मू कश्मीर क्या करता है, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। तो ये जो टच कर रहा है वो लद्दाख के बॉर्डर को टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर को टच नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन के हर एक एक बिंदुओं पर मैंने ध्यान दिया है, कहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, उस तरह के लेवल के प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस 40 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। निम्न में कौन भारत का सबसे निकटतम, बोला है सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है, यहां पर बोला गया सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव या फिर ग्रेट निकोबार, सही से ध्यान में रखकर आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इसका आंसर करिए। तब तक मैं आपको मैप के माध्यम से इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए इसको। जल्दी बताइए। चलिए देखिए, अगर भारत के बारे में बात करें तो ये आपको सिंपल सी पता हो गया कि ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया हो गया। और जस्ट इंडिया के बाद यहां पर कौन सा आता है भैया, श्रीलंका आता है। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया और यहां पर जो आता है वो होता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया होता है, याद रखिएगा इंडोनेशिया। और ये क्या भाई, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो यहां पर, ये एरिया कहलाता है अंडमान
एंड नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है भैया, निकोबार कहलाता है। ठीक है, ये वाला एरिया अंडमान है और नीचे वाला एरिया क्या है, निकोबार है। इस बात को यहां पर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूरा है कि भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा होगा। अगर हम ऑप्शंस को हटा दें तो अगर हमारा सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश देखा जाए तो हमारा होगा इंडोनेशिया। क्या होगा, इंडोनेशिया जो है यही भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। क्यों, क्योंकि भारत से श्रीलंका की दूरी ज्यादा है, जबकि अंडमान निकोबार से ग्रेट इंडोनेशिया की दूरी बहुत क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा नजदीक में भारत का अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया ही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इंडोनेशिया का नाम नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, श्रीलंका जो है यह आपका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्लियर हो गया। अगर यहीं पर ऑप्शन एक अगर हटा दूं मैं, अगर इस ऑप्शन को हटा दूं, थाईलैंड को हटा देता, एक बात के लिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर मैं यहां पर थाईलैंड को हटा दिया, ठीक है, थाईलैंड को हटा दिया, और थाईलैंड को हटाने के बाद मैंने यहां पर लिख दिया क्या, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अगर हमने लिख दिया, तो फिर अगर अब पूछा जाता कि निम्न में से कौन भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है, तो आपका सही उत्तर क्या होता, इंडोनेशिया होता। लेकिन इंडोनेशिया तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, इस वजह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। बोलो भैया क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला यहां पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर क्या दिया गया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे भूटान की जो आपकी मुद्रा है या भाषा जो है, कह सकते हैं क्या, नगुल ट्रूम है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या, हीन तेंदुआ है। म्यांमार की मुद्रा क्या, कयात है, वो म्यांमार रुपया है। या बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। इनमें से कौन है जो मैच नहीं कर रहा है। मैंने हर एक देश का, चाहे वो मुद्रा ले लिया है, राष्ट्रीय पशु ले लिया है, या कह सकते हो कि भाषा ले लिया है, या संसद ले लिया है, तो वो आपको मैच करना है कि किस देश का क्या मैच नहीं कर रहा है। जल्दी बताइए, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, भूटान की अगर मुद्रा की बात की जाए तो 100% भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल ट्रूम, सही हो जाएगा। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो हीन तेंदुआ है, ये भी आपका सही है। म्यांमार का म्यांमार के संसद का नाम जातीय संसद है, यही सही है। लेकिन म्यांमार की रुपया जो है या करेंसी जो है वो म्यांमार रुपया नहीं है, बल्कि इसकी करेंसी क्या कहलाती है, इसकी करेंसी कहलाती है क्या, कयात। क्या भैया, म्यांमार की करेंसी को क्या कहा जाता है, कयात कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बोली भैया क्लियर है आप सबको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, देखो भाई बताओ, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है यहां पर पूछा जा रहा है आपको, यानी इसको कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उस संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बजट शब्द का क्या है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, भैया बताइए कि क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, नहीं, किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में, तो वो किस आर्टिकल में है, 111 में है, 112 में, 113 में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, सही बताइए, बढ़िया से फोकस करिए, अगर आप बढ़िया से पढ़ पा रहे होंगे बहुत बढ़िया, आपका आज का सेशन जाने वाला है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों पे बहुत मेहनत किया है और आपके लिए एक बढ़िया सेशन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो 112 में है। कहां पर भैया, 112 में है, इस बात को यहां पर याद रखिएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर जरूर बताइएगा हमें कि बजट सर्वप्रथम भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया,
ये बात आप जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट सर्वप्रथम भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, ये आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, आंसर करके बताइएगा कमेंट में जल्दी से। बहुत बढ़िया है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसा कौन सा देश है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, भूटान, चीन या उपरोक्त सभी, या ये तीनों नहीं करते हैं, या इनमें से कौन सा एक देश है जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जल्दी से जल्दी आंसर करके बताओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहोगे इसको तो आप देख सकते हो। ये वाला एरिया हमारा नेपाल का एरिया है ये, ठीक है, और यहीं से एक रेखा ऐसे होकर ये ऐसे कनेक्ट होती है, और एक रेखा ऐसे होते हुए ये ऐसे कनेक्ट कर जाती है इस तरीके से, और फिर हमारा एक ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है यही आपका कौन सा कहलाता है भैया, ये आपका बंगाल कहलाता है। क्लियर है भाई, बंगाल कहलाता है। अब बंगाल देखोगे तो बंगाल टच तो किसको कर रहा है, बंगाल टच कर रहा है किसको, नेपाल को टच करता है, नेपाल के बाद किसको टच करता है, भूटान को, और यहां पर एक देश और आता है जिसे कहते हैं क्या, बांग्लादेश। क्या बोलते हैं भैया, बांग्लादेश कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक होता है बांग्लादेश, भूटान, और क्या होता है, नेपाल होता है, जबकि अगर देखा जाए तो चाइना आपके जस्ट ऊपर आता है, और इससे पश्चिम बंगाल कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, चाइना जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया भाई, चाइना क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, सही बात है, बताओ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या आंध्र प्रदेश। अगर भारतीय मानक समय रेखा की अगर आप बात करोगे तो ये कितने अंश पर निर्धारित है भैया, तो ये सिंपल सी बात है, इसे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, 5 राज्यों से गुजरता है, कितने राज्यों से भैया, 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, ये बहुत बढ़िया एक आपके लिए क्वेश्चन है, 5 राज्यों से गिरता है, ठीक है। सर्वप्रथम निर्धारण कहां किया गया, सर्वप्रथम निर्धारण इसका कहां किया गया, तो आपको पता है सर्वप्रथम निर्धारण किया गया था कहां पर, नैनी में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में कहां निर्धारित है, वर्तमान में इसका निर्धारण कहां है, वर्तमान में मानक समय कहां है, वर्तमान में मानक समय कहां बनाया गया है, या मानक समय कहां निर्धारित किया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए मिर्जापुर में है भैया, ये कहां पर है, मिर्जापुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, बेसिक चीजें मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, जीएमटी से कितने घंटे आगे भैया, जीएमटी मतलब ग्रीन मीन टाइम होता है, कितने घंटे आगे हमारा जीएमटी से, आईएसटी कितने घंटे आगे है, तो आप सबको पता है 5.5 घंटे आगे है, कितने घंटे, 5.5 घंटे क्या है ये आगे है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है, अगली बात पूछा जाए, विश्व में कुल कितने टाइम जोन है आप बताइए, विश्व में कुल टाइम जोन कितने हैं, कुल टाइम जोन अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, कुल टाइम जोन है वो आपके 24 हैं, याद रखिएगा 24 हैं। और सबसे ज्यादा किस किस देश के पास है, सबसे अधिक किसके पास है, देश पूछा जाए तो सबसे अधिक अगर आप देखोगे बच्चा तो ये होता है फ्रांस, FRNC फ्रांस के पास है, 12 है, कितने है भैया, तो 12 है इसके पास, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बोल रहा है कि भाई 5 राज्य कौन कौन से होंगे, तो 5 राज्य देखो भाई, एक तो अपना यूपी होगा, यूपी के बाद एमपी होगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ होगा,
छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा होगा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश होगा। अब देखो इसमें कौन सा राज्य है जो मैच नहीं कर रहा है, मुझे लगता है झारखंड। तो बिल्कुल आपके झारखंड से होकर यह रेखा नहीं गुजरती है। बोलो भाई पूरा डिटेल आपको क्लियर हुआ, पूरा डिटेल आपको क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट, एक एक हर बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और आप वाकई में इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? और बहुत नए प्रश्न आज आपसे मिलेंगे जो कुछ तो आसान होंगे, कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि उन चीजों को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है और आपको मजा भी आएगा। यहां पर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। मालदीव की भाषा क्या मा है? इंडोनेशिया में क्या भाषा बोली जाने वाली भाषा है? भूटान में जोंगखा बोली जाती है और म्यांमार में कयात भाषा बोली जाती है। इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है, आप हमें आंसर करके बताइए। आप हमें आंसर करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही नहीं है, जल्दी बताइए। अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे तो चीजों को कर पाएंगे अच्छे से। देखिए अगर आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। नहीं बेटा, मालदीव की अगर राज्य के आधिकारिक भाषा देखी जाए तो खैर बोली तो जाती है वहां पर, कौन सी भाषा? दिवेही भाषा बोली जाती है। कौन सी? दिवेही भाषा बोली जाती है। पर दिवेही के साथ साथ मह भाषा भी बोली जाती है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडोनेशिया में भाषा ही बोला जाता है, भूटान में जोंगखा बोला जाता है, लेकिन म्यांमार में कयात नहीं बोला जाता है बल्कि म्यान में कौन सी? बर्मी भाषा बोली जाती है। कौन सी? बर्मी भाषा बोली जाती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है आपका, कौन सा आंसर सही होगा? डी इज द राइट आंसर। हो पा रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं भाई, एक बार कमेंट करो फटाक से। हर प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विद्वत है, बहुत शानदार है। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और तभी आपको आंसर करना पड़ेगा, तो आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सार्क का उद्देश्य क्या है? यूपीपी में कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहली बात तो यार हम लोग को डिस्कशन करना है सार्क को लेके, ठीक है? सार्क का अगर गठन देखा जाए बच्चा, तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1985 में। कहां पर? ढाका में किया गया था। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, कहां किया गया था? ढाका में किया गया था, याद रखिएगा। अब ढाका क्या है? ढाका में जो है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर सार्क का गठन किया गया था। आगे चलकर कुछ वर्ष के बाद इसका मुख्यालय बदल दिया गया। क्या किया गया? इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया और इसका मुख्यालय कर दिया गया काठमांडू कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? काठमांडू इसका मुख्यालय कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं भैया, तो वर्तमान सदस्य हो गए हैं 8। और आठवां कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि आठवां सदस्य कौन सा है, तो वो कहलाता है अफगानिस्तान। कौन सा कहलाता है? अफगानिस्तान कहलाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन लंबे समय से यह ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं है क्योंकि भारत इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा है। भारत का कहना यह है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक मैं इस सार्क में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करूंगा। अब क्या है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बड़ा देश है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जब तक भारत नहीं इसे क्या करेगा, संचालित नहीं करेगा, या भारत इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा, तब तक इसके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, तब तक भारत सार्क में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएगा। आखिर यह लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? अपने सदस्य देशों के साथ, अपने सदस्य यानी जो भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के क्या है, भारत के पड़ोसी देश, याद रखिएगा, ठीक है? भारत के पड़ोसी देश जो है, अपने सदस्य देशों में क्या करना,
सामाजिकता ले आना, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, संस्कृति को बढ़ावा देना और तकनीकी को क्या करना, डेवलप करने के लिए लाया गया था, ताकि ये भारत जो भारत हो गया और भारत के साथ जो उसके पड़ोसी देश हो जाए, पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को, अपने सांस्कृतिक चीजों को बचाएं और बेहतर करें और तकनीकियों का प्रयोग करके आगे बढ़े, इसलिए लाया गया था। या सिर्फ इसका उद्देश्य था कि व्यापार के लिए सहयोग करना, इसका मात्र उद्देश्य था? तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था? या आतंकवाद को समाप्त करना आपसी सहयोग से यह उद्देश्य था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बात की चर्चा जरूर करूंगा भाई, यहां पर ढाका में अगर कभी पूछा जाए कि ढाका में किसका मुख्यालय है, अगर आपसे कहा जाए कि ढाका में किसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा आशियान का, आपने नाम सुना होगा आशियान, आशियान का अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आशियान का मुख्यालय कहां है, तो आशियान का मुख्यालय ढाका में है, इस बात को याद रखिएगा। आप सभी लोग सार्क का क्या फुल फॉर्म होता है और आशियान का क्या फुल फॉर्म होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सार्क की स्थापना कहां की गई थी? चलो एक क्वेश्चन फिर से आ गया, सार्क की स्थापना कहां की गई थी, काठमांडू में, ढाका में, थिम्पू में या फिर बीजिंग में, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर भैया, कहां पर किया गया था, इसका क्या था, इसका स्थापना कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा इसका स्थापना काठमांडू में नहीं किया गया था, कहां किया गया था, ढाका में किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्या होगा भैया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो भाई। नेक्स्ट, आरबीआई का कार्य नहीं है भैया, बताओ आरबीआई का इसमें से कौन सा कार्य नहीं होता है, जल्दी बताइए, शाख नियंत्रित करना इसका कार्य नहीं है, बैंक नोटों का निर्माण को करना, बैंक नोटों के निर्माण को या बैंक के नए नोटों को बनाना, या विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, या जमा स्वीकार करना, या जनता को ऋण देना, इसमें से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आप बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कब किया गया, हमें एक बार जरूर आंसर करें, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए। देखिए एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत अहम है मित्र, अगर आप बढ़िया से कर पाएंगे तो, वरना कोई बात ही नहीं भाई, जल्दी बताओ भैया, जल्दी करिए भैया, क्लियर है, सारी चीजें आपके सामने भैया, आंसर करिए और बताइए बढ़िया से क्या होना चाहिए इसका आंसर, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। और आप पढ़े भी हो बहुत अच्छे से, चीजों को जानते भी हो, समझे भी हो कई बार, पहले इसका स्थापना बता दीजिए, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो स्थापना तो कई लोग पढ़े भी, एग्जाम में भी आया है, तो आप इससे लिख सकते हो 1 अप्रैल 1935, है ना, 1 अप्रैल 1935 आप लिख सकते हो। राष्ट्रीयकरण बता दो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, जमा स्वीकार करना, ये इस तरह का नहीं करता या किसी राशि को जमा करने का, और साथ ही साथ ये जनता को कभी ऋण देने का काम नहीं करता, याद रखिएगा, कभी भी जनता को ऋण देने का काम नहीं करता है, इस बात को यहां पर याद रखिएगा। समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलो भैया, क्लियर हो गया, ये चीजें हैं, तो यहां पर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1949 में, कब किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण भैया, 1949 में, और जाकर देखिए ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एनडीए में पूछा गया है, ये आपके सीडीएस में पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में किया गया,
समझ में आ गया। और इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को किया गया। क्लियर हो गया सबको भैया? क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन सा भारत का पड़ोसी देश स्थल और जल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? बताओ भैया, ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत का, जो स्थल और जल, यानी कह सकते हो कि अगर ये एक हमारा देश है, ये हमारा अगर इस तरह से देश है तो ये वाटर के साथ भी अपनी बॉर्डर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वाटर के साथ भी और किसके साथ, बढ़िया, लैंडमार्क के साथ भी, मतलब स्थल के साथ भी। इस तरह वाले देश कौन से है बताओ, जो स्थल के साथ भी हो और जल के साथ भी। एक तो खुद अपना भारत तो है ही, पर भारत के पड़ोसी देश पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। देखो, अफगानिस्तान तो कभी भी नहीं हो सकता है, अफगानिस्तान होगा ही नहीं होगा। अफगानिस्तान किसी भी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि ये एक लैंड लॉक कंट्री जरूर है। पाकिस्तान करता है, लेकिन पेयर में अफगानिस्तान है, गलत हो गया। बांग्लादेश जल और स्थल दोनों के साथ करता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पेयर खराब हो गया। बांग्लादेश करता है लेकिन नेपाल नहीं करता है, म्यांमार करता है और चीन करता है। तो कहोगे सर चीन कहां करता है? करता है भाई, चीन का जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग है, वो किसको टच करता है? प्रशांत महासागर को। किसको? प्रशांत महासागर को टच करता है। और म्यांमार किसको टच करता है? तो म्यांमार टच करता है किसको? बंगाल की खाड़ी को टच करता है। समझ में आ गया? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन में? भाई कमेंट तो कर दो मेरे लाल, कम से कम कमेंट तो कर दीजिए, ताकि पढ़ाने वाले अध्यापक को लगे कि जो हमने मेहनत किया है वो मेहनत बच्चों को पसंद आ रहा है, वो बढ़िया से क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं। तो कमेंट कम से कम कर दीजिए आप कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। क्वेश्चन जो मैं ले आया हूँ, ये सब क्वेश्चन मैंने बनाया है अपने हाथों से, ये सब आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा कि नहीं यार चलो उस किताब से सर ने लेके दे दिया, नहीं ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मैंने इनके इन क्वेश्चनों पे काम किया है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के पैटर्न कुछ इसी तरीके से हो रहे हैं। और आकलन लगाना कि यार इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं आदमी मार खा जा रहा है। तो हमें हर तरह से पढ़ना होगा, हर चीजों को बढ़िया से कनेक्ट करना होगा, हर चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। खैर चलिए, क्लियर होना होगा आपको, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन भारत का तटीय राज्य है? बताओ भारत का तटीय राज्य कौन सा है? अब तटीय राज्य के बारे में बात करोगे, यार भारत के तटीय राज्य के बारे में बात करोगे तो कितने है? 9 तटीय राज्य है। ये पहला पॉइंट। यहां पर अगर आपसे आएगा कि सबसे लंबा किसका है, सबसे लंबा तटीय राज्य, तो आप एक लाइन में बोलोगे सर ये तो सिंपल सा गुजरात है। और बोला जाए सबसे सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा सर कौन सा, गोवा। लेकिन यहां पर पूछ रहा कौन सा तटीय राज्य नहीं है। आओ देखते हैं मैप बना के। ये आपका हो गया केरल, ये तमिलनाडु हो गया। तो इधर में तो यार यही पड़ता है, यहां पर तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और बंगाल है। देखो तो बोला कौन सा तटीय राज्य, तेलंगाना नहीं होगा क्योंकि तेलंगाना यहां पे आता है, तो ये किसी भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। असम हो ही नहीं सकता है, बहुत दूर है। छत्तीसगढ़ हो ही नहीं सकता है, ले दे के एक ही हुआ, और वो कौन सा कहलाया भैया? उड़ीसा कहलाया। कौन सा कहलाया? उड़ीसा इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं चीजों को लेके, ठीक है। चलिए, मालदीव का सबसे निकटतम भारतीय क्षेत्र कौन सा है? बताइए, मालदीव का सबसे निकटतम भारतीय क्षेत्र पूछ रहा है, ध्यान दो, मालदीव का। और मालदीव के बारे में बात करोगे तो यार मुझे तो लगता है यही होगा, पहले मैं बनाना पड़ेगा ऐसे यहां पर चीजों को लेके, तभी समझ पाओगे। ये आपका हो गया, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में देखो यहां पे क्या है, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजों को कर दिया गया, ये हमारा एक हो गया क्षेत्र का आपका। और ठीक जस्ट यहीं पर आता है क्या हमारा, मालदीव आता है, तो यहां कर लो, मालदीव हो गया। ये क्या कहलाता है,
लक्षद्वीप कहलाता है। एक यहां पर लास्ट में यहां पर आएगा, ये क्या है, मिनिकॉय है। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, मिनिकॉय भी किसका पार्ट है, तो जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, लक्षद्वीप का एक छोटा सा आइलैंड है। अब बोला है कौन सा होगा बताओ, क्या मालदीव का सबसे निकटतम भारतीय क्षेत्र लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, केरल है या कवरत्ती है। कवरत्ती देखोगे तो कवरत्ती यहां पर आएगा, कवरत्ती यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ सबसे नियरेस्ट कौन है, और नियरेस्ट किसका देखना है भैया, तो नियरेस्ट हमें देखना है मालदीव का, सबसे नजदीक कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है सबसे नजदीक हमारा मिनिकॉय हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कौन सा भैया हमारा, मिनिकॉय इज द राइट आंसर। बोलो भैया कर पाए कि नहीं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर पाया आप लोग कि नहीं, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, भारत मालदीव से अलग होता है भैया, भारत मालदीव से किसके द्वारा अलग होता है, देखो इसी क्वेश्चन को लेकर समझा देता हूं मैं यहां पर। अगर देखोगे भारत मालदीव से अलग होता है तो यहां पर एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, किसके द्वारा भैया, 8 डिग्री चैनल के द्वारा। तो यहां पर हो जाएगा भारत मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, और यहां पर जो होगा हो जाएगा ये हो जाएगा मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है वो अलग होता है किसके द्वारा, लक्षद्वीप के द्वारा 9 डिग्री चैनल से, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को, अंडमान को माइनस क्या हो जाएगा, निकोबार से अलग करता है, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और पाक जल संधि किसको करता है, तो इंडिया को श्रीलंका से करता है ना, इंडिया को श्रीलंका से करता है, यह आप यहां पर याद रखिएगा। क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया भैया पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चीजें क्लियर रखिए, समझ में आपको बहुत अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी से जल्दी आंसर करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी, क्या हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी बताओ। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था, देखो पहला जो किया गया दूसरा बोला है, क्या बोला, दूसरी बार बोला है, तो पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था, ठीक है। और यहां पर बोला जाएगा दूसरा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये 1980 में किया गया था, दोनों बातें जरूर याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और दूसरा किया गया था 1980 में, और उस समय जो थे हमारे वो थे चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, क्या होगा भैया, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, समझ में आ गया, बोलो भैया हो गया था, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखिएगा, अगर पहले वाले में पूछा जाए तो फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, फर्स्ट बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उस समय प्रधानमंत्री अगर कोई थी तो वो कौन थी भैया, आपकी इंदिरा गांधी थी, समझ में आ गया। तो पहली बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इंदिरा गांधी थी, दूसरी बार हुआ था तो चौधरी चरण सिंह थे, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ मेरे भाई, कमेंट करके बता दो, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा कथन सत्य है या है, ये आपको सत्य पूछ रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.04 मिनट से 37.06 मिनट दक्षिणी अक्षांश है क्या, नहीं गलत है, दक्षिणी अक्षांश नहीं होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, गलत कह रहा है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी अक्षांश पर निर्धारित है, भैया पूर्वी अक्षांश पर देश नहीं है, पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है, यह आपका होना चाहिए। सरक्रिक अरब सागर से संबंधित है, कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, दोनों को देखो,
बंगाल की खाड़ी यहाँ आता है और कन्याकुमारी यहाँ आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सही कौन सा होगा भैया? सी इज द राइट आंसर, सरकरिक। बिल्कुल याद रखिएगा, सरकरिक आपके किससे संबंधित है? अरब सागर से संबंधित है। क्लियर है? सरकरिक किससे संबंधित है बाबू? अरब सागर से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। एक रुपया का सिक्का जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा या वित्त सचिव के द्वारा? जल्दी बताइए भाई, एक रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, एक रुपए का सिक्का जारी करता है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि एक रुपए के सिक्के पर सिग्नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नेचर किसका होता है, तो वित्त सचिव के द्वारा होता है, वित्त सचिव का होता है। तो आपका सही उत्तर होगा भारत सरकार, क्योंकि ये जारी करता है, और एक रुपए के सिक्के पर सिग्नेचर किसका होता है? तो भारत के वित्त सचिव का होता है। समझ में आ गया? बोलो भाई, क्लियर है एकदम बढ़िया से? फिर से बोल रहा हूं भाई, क्लियर एकदम बढ़िया से? चलिए अगला देखो। म्यांमार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोला कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? इसे वर्मा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही ये कह रहा है कि भाई इसको वर्मा के नाम से ही जानते हैं। इस देश में तीन चांदी और टंगस्टन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सही है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी सालविन नदी है। म्यांमार तुजू दर्रा के द्वारा भारत से जुड़ता है। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। गलत ये वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि सालविन म्यांमार की सबसे लंबी नदी नहीं है। इरावती इस देश की क्या है? सबसे लंबी नदी के तौर पर जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। पुदुचेरी से संबंधित आधिकारिक भाषा नहीं है। ये जो बंदा क्वेश्चन बता दिया ना, मैं मानूंगा कि आप लोगों ने वाकई में स्टैटिक जीके को बहुत कायदे से पढ़ा है। जल्दी बताइए कि पुदुचेरी की आधिकारिक भाषा नहीं है तमिल। अब देख लो भैया ध्यान से, मैप भी मैं आपको बना दूं। ये क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा के मैंने बनाया, बहुत बढ़िया से बनाया। अगर आप जवाब दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो भी सही जवाब दोगे तो बहुत खुशी होगी। यहीं पर आपका है क्या? पुदुचेरी। पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, फिर पुदुचेरी कहा जाता था। ये पुदुचेरी है। देखो भैया, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नहीं, इसका सही उत्तर हिंदी होगा। क्यों? क्योंकि पुदुचेरी का क्षेत्र विस्तार देखो, आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम है। तमिलनाडु में क्या है? कराईकल है। और केरल में क्या है? माहे है। दिमाग लगाओ, है ना क्वेश्चन बढ़िया। अब यमन कहां आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ये दोनों तमिलनाडु में आते हैं और ये केरल में आता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि यमन अगर आंध्र प्रदेश में होगा तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? तेलुगु बोली जाएगी। माहे अगर यहां पर केरल में है तो मलयालम होगा, और खुद पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में हो तो क्या होगा? तमिल। लेकिन यहां पर हिंदी बोली नहीं जाती है। इसके साथ साथ पुदुचेरी में कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? तो इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया मेरे भाई? बोलो भैया क्लियर है? इन बातों को अच्छे से दिमाग पर सेट करके रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। आगे चलते हैं। किस वर्ष पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ? बताओ भैया, किस वर्ष जो है वो पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ? 1954 में, 1961 में, 1947 में या 1948 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में क्या किया गया? इसे भारत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, पहले पौंडीचेरी था, फिर पुदुचेरी। पुदुचेरी का मतलब होता है नया गांव। क्या होता है? नया गांव। तो इसको नए रूप से फिर से जनरेट की नए रूप के साथ इसको लाया गया, तो इसका पौंडीचेरी से नाम पुदुचेरी कर दिया गया। क्लियर हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, रतन टाटा, जे आर डी टाटा, धीरू भाई अंबानी या गोपीनाथ बोरदौलियाल। तो याद रखिएगा, जे आर डी टाटा आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा भैया? जे आर डी टाटा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए,
भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? पहला आपातकाल पूछ रहा है, याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल तीन ही बार लागू किया गया है। कितनी बार? तीन बार लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू करता है वो उसकी व्याख्या है 352 में, और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले किया गया था 1962 में, और ये वही समय था जहां पर था भारत चीन युद्ध था। भारत चीन क्या था भैया? भारत युद्ध चीन, ये पहली बार किया गया था। दूसरी बार 1971 में जो था, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया गया था, भारत पाक युद्ध के समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और तीसरा था 1975 भारत में अशांति की वजह से, भारत में अशांति की वजह से, ठीक है, अशांति के युद्ध का, ये तीन लगे थे। पर प्रथम महिला अगर पूछा जाए, पहली प्रधानमंत्री कौन थी? भैया जिन्होंने राष्ट्रपति लगाया, राष्ट्रपति आपातकाल लगाया, तो पहली प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। ये सब छोटी छोटे डाटा है, जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, मतलब 1962 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे आइए। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन सी है? तो पहली बात तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाता है? 8 राज्यों से गुजरता है। दूसरी बात, माही नदी दो बार काटती है। माही नदी क्या करती है? इस रेखा को माही नदी दो बार काटती है, इसको दो बार काटती है, दो बार काटती है, ये आप एक पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है अगर बाबू कहीं पे, तो वो मध्य प्रदेश में है। कहां पर बच्चा? ये मध्य प्रदेश में है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ठीक, और एक क्वेश्चन और बताओ, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताओ, सबसे बड़ा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे छोटा यूटी भी बताइए, सबसे छोटा यूटी बताओ। सबसे बड़ा यूटी अगर देखोगे तो अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा हो गया है? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा हो गया है? लक्षद्वीप हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो ये आपका सर्वाधिक साक्षरता पूछा है, तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? लक्षद्वीप में है। और न्यूनतम साक्षरता पूछा जाए तो न्यूनतम साक्षरता जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां पर भारत के तटीय सीमा की पूछी है, यहां पर कुल का प्रयोग नहीं किया गया है, शब्द का प्रयोग नहीं है, और ना ही द्वीप समेत किया गया है। क्या? और ना ही द्वीप समेत किया गया, दोनों चीजों का कोई जिक्र नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्लियर है, क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और कुछ चीजें आप बहुत नई नई चीजें जान पाए होंगे, मजा आया होगा आपको। ठीक है, और आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे धर्म में पर्व को एक बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। पर्व का मतलब इसलिए मनाते हैं ताकि जो दूरियां हैं, जो लोग दूर दूर हैं, वो सब लोग एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपने प्यार से व्यवहारों के साथ इस पर्व को मनाएं। तो आपके जीवन में इस बार की दीपावली कुछ नया रौनक ले आए। आप सब लोग मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और इसी के साथ मैं अपने आप से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।